देश में महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ रहे अपराध को लेकर कई सामाजिक संगठनों और स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सामाजिक संगठनों का कहना है कि हैदराबाद जैसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए समाज को सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है। सिंगरौली में कई सामाजिक संगठनों और स्कूली बच्चों ने देश में महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ रहे अपराध को लेकर रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील अनु पटेल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन को लेकर देरी किए जाने पर जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। सामाजिक संगठनों का कहना है कि जिस तरह रेप और हत्याएं हो रही हैं, वह दुखद है। हम सभी सामाजिक संगठन के लोग इसका विरोध करते हैं। समाज में ऐसी विकृति फैली हुई है कि लोग इस तरह की घिनौनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार में घटनाएं हुई हैं, वह अमानवीय है और समाज के लिए चिंता का विषय है। संगठनों का कहना है कि समाज के लोगों को अपने घर में भी बेटों को जागरूक करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं को लेकर समाज को आगे आना चाहिए। देश में लगातार निरंतर बलात्कार उपरांत हत्या और गैंग रेप महिलाओं के साथ हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है, उसके सिलसिले में हमने ज्ञापन दिया है। और हमारी ज्ञापन में मांग ये है कि भारतीय दंड संहिता और जिसे सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया जाना चाहिए। ठीक, ऐसा कानून पास किया जाना चाहिए कि अपराधियों को तत्काल फांसी दे और मतलब मृत्युदंड का कार्रवाई हो, कानून ऐसा पेश करे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।